फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जो छवि बनी थी वह अनलॉक आते आते पूरी तरह से धूमिल हो गई। कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरे पुलिस बल को उठाना पड़ रहा है। यह बात अलग है कि मेरठ पुलिस कप्तान अजय साहनी ने मामला संज्ञान में आते ही तुरंत दरोगा भूपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर भी कर दिया। मां बेटी की हत्या व उनके शवों को घर में ही गाड़ देने की घटना के खुलासे से पूर्व जो बातचीत रिकॉर्ड में वायरल हुई उसने सोचने पर विवश कर दिया है कि पुलिस रक्षक है अथवा फिर भक्षक। एक ऑडियो में परतापुर थाने का दरोगा रात 10 बजे के बाद एक युवती को फोन पर बात करने का न सिर्फ दबाव बना रहा है बल्कि इशारा भी कर रहा है कि ऐसे कैसे पता चल जाएगा, ऐसे पता लगने का कोई मतलब ही नहीं। समझा जा सकता है कि दरोगा द्वारा कहे गए ऐसे का क्या अर्थ है। दूसरे ऑडियो में इंस्पेक्टर इस बात के लिए सहेली को धमका रहे हैं कि तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, अगर ज्यादा पैसा है तो एक गाड़ी कर लो, चलो घूमते हैं उसे ढूंढने। यहां बात सहेली के शव की हो रही है। इंस्पेक्टर ने यहां तक कह दिया कि वह तो यह कह रहा है कि तुमने उसे मार दिया। इसके अलावा तीसरा वीडियो थाना पुलिस से की जाने वाली लेनदेन के बारे में है। इन ऑडियो वीडियो को देखने सुनने के बाद समझा जा सकता है कि परेशान व्यक्ति के लिए तो पुलिस के पास जाना और ज्यादा मुसीबत बुलाने से कम नहीं है। आइए सुनते हैं। हेलो, कैसे हो? नमस्ते सर। हाँ ठीक है। आप सुनाइए। बस आप कह रहे 10 बजे के बाद करना, 10 बजे के बाद तो मैंने कर लिया आज कॉल। अच्छा, और सुनाओ। नहीं ऐसा कुछ तो सुनाने के लिए नहीं है, ऐसी क्या बात थी जो मतलब आप 10 बजे के बाद ही बताएंगे? नहीं तो मैं ऑफिस में उस समय कंप्यूटर पे कुछ कर गया था। अच्छा। हाँ, वो इस वजह से मैंने कहा क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो समय मिलता है उधर, तो 9 बजे तक हुई बच जाते हैं। हाँ, फिर इधर मैं समय से खाना लेना, फिर बैठ गया जब आपको फोन आ रहा था। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं जब जाऊँ तरीब में यहाँ आ गया, मैंने यूनिफॉर्म निकाल दी, फिर स्नान भी कर लिया मैंने वो जल्दी अभी। हाँ जी सर। हाँ तो मैं फिर अब मैंने सोचा मैं आप कॉल कर लें। हाँ चलो, और बताओ कोई बात हो तो बताओ। नहीं कोई बात नहीं, वही बात थी बस जो आपको बता रखी है सभी। हाँ चलो ठीक हो तो मेरे याद है। ठीक है, फिर कुछ और बात थी सर? चलो ठीक नहीं है एकदम, फिर करेंगे बातें और भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी। नहीं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? हाँ हाँ, उसमें लॉकडाउन खत्म हो जान दो, मैं देख तुम्हें क्या होता। वैसे कोई बात नहीं थी ऐसे? नहीं कुछ, मेरे को लगा जैसे कुछ पता लगा हो, कुछ मतलब कुछ जरूर। नहीं ऐसे कैसे पता लग जाएगा, ऐसे पता लगने का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा अच्छा, वहाँ सब लॉकडाउन है कहाँ? मतलब कॉल डिटेल सिंपल वाली जो मतलब जहाँ जहाँ कॉल करी ये वाली जो सिंपल वाली जो आती है, लेकिन उसके लिए सब अता पता जो आता है वहाँ से ही आता है, वहाँ से है। अच्छा, वरना मैं काम किया था ना, मैंने निकलवाई थी पहले भी, अब तो मैं बात करके देखती सर से, अगर निकल जाती तो। नहीं ये बताओ तुम कुल मिलाती तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं मैं पीछे नहीं पड़ी सर, वो मुझे कह रहा है, और दूसरी बात एक उसका पता तो लगना चाहिए, मैं बिल्कुल पीछा, मैं क्या मैं बिल्कुल नहीं बोलने की पता, जब उसका घर द्वार नहीं पता तुम्हें कुछ बात नहीं पती, नहीं केवल उसी का पता करना है तो सर मतलब ऐसे तो इसका ये पता नहीं कहाँ की रहने वाली है? नहीं हमारे यहाँ पे रह के गई थी। अगर तुमने रफी गलत किया उसको बिना एड्रेस के आदमी रख सकते नहीं भाई, जिसका हमें पता मालूम नहीं उसे कैसे रख लो किराए पे? आपने कैसे रख दिया उसे भाई? तो मतलब रहने दो, अगर उसने मार दिया उसने बेच दिया तो सही अच्छी बात है। मार दिया तो बॉडी मिलेगी उसकी क्या पैसा लो? तो बॉडी तो जब मिलेगी जब कोई कार्रवाई होगी, आप तो कह रहे हो कार्रवाई लग नहीं रहा भागते फिर, तुम तो कहीं गई नहीं देखने, कहीं गई थी? नहीं मैं तो कहाँ जाती देखने, आप बताइए। चलो आ जाना, एक गाड़ी कर लो कल घूमते हैं, ठीक है? तुम्हें तुम्हें पास पैसा ज्यादा है? नहीं सर पैसे की बात नहीं है, तुम्हें जल्दी रिकवरी कर चाहिए तुम्हें, तो गाड़ी कर लो घूमते हैं, आस पास के जिलों में जाते हैं जहाँ जहाँ तुम्हें मिलता हूँ। नहीं सर मैं बॉडी देख लेते हैं।
अरे जिस इंसान के संग ये केस हुआ है डायरेक्ट अगर उससे पूछी जाए, मेरा तो ये कहना है। मेरा तो क्या पता, हमने पूछा नहीं क्या? भाई देखो ऐसा है, हम पूछ रहे हैं लेकिन जब तक वो कोई उसकी वो मिलेगी नहीं, जब तक उसके बयान कोर्ट में नहीं होंगे तो कैसे सजा फांसी दे दोगे? ठीक है, अब वो कह रहा है तुमने मार दी, तुम कह रही उसने मार दी, जब तक वो मिलेगी नहीं, जब तक कहीं वो कह रहा है चार आदमी देखिए गाड़ी बढ़ा के देखिए यहाँ से। अच्छा भूड़ भड़ाल चल के पूछते हैं चार आदमियों ने, अगर पड़ोसी से मेरी भी बात हुई हो? देख चलो देख रहे देखने तो चल देंगे। मैं कह रहा हूँ जो युवा शमशान छूटेगा है ना, कितने पैसे की बात हुई थी दोबारा है शमशान को? हाँ अब तो कपिल अलग चैनल से कर रहा बात, ऐसा पता चलता मुझे अलग चैनल से। तो तुमने कितने पैसे कहे इंस्पेक्टर से रात? मैं तो थाने में जो अब इसकी बात करने जाऊंगा तो फाइनल ही करने जाऊंगा। अब भैया मुझे ना भेजोगे तो ज्यादा बढ़िया, बताओ क्यों? मैं तो छूट रहे सामने कुछ भी पैसे वैसे कुछ ना समझता, मैं तो वही हाँ कर दिया जो कहेगा वो। अच्छा अब इसलिए मुझे बतवा लो, मुझे मैं ना समझता हूँ परेशानी के सामने सामने पैसों को 10% पाओ परेशानी नहीं बढ़ रही थी। पैसे पैसे और कद को आगे वापसी जब को मेरी साइन करवाओगे तो पैसे लूंगा, ना करवाओगे तो मैं पैसे नहीं लूं, चाहे वो देवे ना देवे। वो कर रहा साइन कहने को कोतवाल के सामने आकर तो मेरा कोई लेन देन ना हुआ,